तो आज हमारी बात जो होगी, आप सभी छात्रों के साथ मैं ये बात करना चाह रहा था कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ हमारे अनएकेडमी के कोर्स में जो अनलॉक जो है ना, ये आपके फेवर के लिए आया है, अनलॉक बिगर सेविंग्स, आप समझ सकते हैं। तो ये कहना क्या है इसमें कि जो प्राइसेस है ना, एक भारी तरीके से ड्रॉप किया गया है, अर्थात आपकी जो 20% सेव की हमारी तैयारी हो गई है। और ये तैयारी किस में है, ये जेपीएससी के फाउंडेशन कोर्स के लिए है ना, 2024 में जो संभावित रूप से जेपीएससी आएगा सीटी और मेंस की परीक्षा के लिए, तो उसमें 12 महीने की जो कोर्सेस है वो हमारे हमारे द्वारा 5,500 रुपये में करवाई जा रही है। तो याद रखिए, इस कोर्स को करने में आपको किस तरह की क्वालिटी कंटेंट चाहिए, उसमें हम सभी छात्रों की, उसमें शिक्षकों की ओर से एक पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से हमारी इस पर टीम लगी हुई है कि अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ सिलेबस की पूरी तैयारी कराई जाए। इतना ही नहीं, अगर मैं जेसीसी सीजीएल की बात करूं तो उसमें भी ड्यूरेशन समय 6 महीने हमारा रखा है अनएकेडमी की ओर से, और 1,199 रुपये आप इसमें अवेल कर सकते हैं, इतना आप रिबेट पा सकते हैं। तो 20% का जो रिबेट है, इसको पाने के लिए थोड़ा सा आपको इस कोड का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं रमन के 10, तो तय मानिए कि आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हमारी कोशिश है कि ये सारी चीज़ें बच्चों तक पहुँचे, लेकिन याद रहे इसके लिए लिमिटेड ऑफर है। जल्दी इस दिशा में हम लोग क्यों ना गंभीर हो जाएं, क्योंकि हमें सीखना है और क्वालिटी कंटेंट जब मैं हूँ और मेरे काबिल शिक्षक साथ में मित्र हैं, तो हमारी तैयारी तो निस्संदेह अच्छी होगी। तो इसी दिशा में आपको बताना चाह रहा था। और एक और जानकारी दे दूं कि झारखंड क्लर्क एग्जामिनेशन जो है झारखंड में, निस्संदेह इसकी जो नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उस पर आप तैयार करने की हिंदी पेपर 2 पर, इसके अलावा जनरल स्टडीज पेपर 3 पर, जो उसके बैचेस जो है सो लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके लिए भी लिमिटेड ऑफर है। तो मैं आप सबों से ये परामर्श दूंगा कि इसके लिए भी आप एनरोल्ड कर लें अपने आप और तेजी से अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि तो ऐसा यदि आप करते हैं तो ये तय मानिए कि जितने भी अच्छे कंटेंट हैं और उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो तो आप तक पहुँचेगा और आपको लाभ होगा। तो इसके लिए भी हमने हमारा एनरोलमेंट जारी, ठीक है ना। आपको करना वही है जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये जो है रमन रमन ये 10 यूज करना है, समझ गए ना। इस दिशा में आपको चलिए थोड़ा तो प्रश्नों की गुणवत्ता पर आते हैं। तो हाँ, जेपीएससी फाउंडेशन को विशेष रूप से समझें, ये मेरे द्वारा और मेरे काबिल शिक्षकों के, हमारी टीम इस पर पूरी लगी हुई है, और आपको मेंस प्लस है ना पीटी की तैयारी जो है इतने कम में कराया जा रहा है, जिसमें बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह पूरे सिलेबस की संपूर्णता के साथ आप तक पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। तो आप इस दिशा में सतर्क हो जाए कि 5,499 रुपये में ही आपकी जेपीएससी की तैयारी कराई जाए, जो अपने आप में बेहद कहा जाए इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता, समझ गया ना। तो चलिए हमारे दोस्त, आज उसी गुणवत्ता का परिचय मैं देता हूँ प्रश्नों के जरिए। देखिए, आज मैंने आपके लिए जो लाया है ना, वो जनरल साइंस के तहत आपका मूल्यांकन करने जा रहा है ना। जनरल साइंस में हमने आज प्रश्न लाए हैं, अमूमन मुझे लगता है कि 40 प्रश्न आज भी होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। इन प्रश्नों पे उस बात का ख्याल रखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न हैं। और यही परीक्षा का नेचर है कि सीजीएल परीक्षा जो अपना डिसिप्लिन तय करता है वो एनसीईआरटी बेस्ड करता है। तो चलिए, जितने हिंदी जानने वाले बच्चे हैं उस प्रश्न को पढ़ लें, और अंग्रेजी जानने वालों को भी मैं कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल जहाँ आवश्यक हो उसको मैं बताऊँ। तो आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, हाँ द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं। तो आप देख रहे हैं विकल्प दिया हुआ है, हिमांक है, क्वथनांक है, या गलनांक बराबर होता है, या क्रांतिक ताप। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, 4 ऑप्शन में देख करके आपको करना क्या है, आपको उचित जवाब तक पहुंचना है। तो प्रश्न को पढ़े बिना तो जवाब देना अपने मुसीबत लेना होता है, आप सभी जानते हैं। तो जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो इस प्रश्न को जानते हैं, वो काइंडली इसका जवाब बता दें, ठीक है। तो आप इस दिशा में अपना जवाब तय कर लें। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद वह टेम्परेचर
ओनली पॉइंट कर, याद रखिएगा। तो ये मैंने जानकारी बता दिया। इस दिशा में हमारी कोशिश यही होगी, देखिए आज मेरे इस सत्र में आप जब आए हैं तो याद रखिएगा कि मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों को ही ला रहा हूँ। वैसे तो मेरी स्पेशलाइजेशन जनरल स्टडीज है, आप जानते हैं कि मैं इतिहास के प्रश्न अच्छे लाता हूँ, ज्योग्राफी के लाता हूँ, पॉलिटी के लाता हूँ, इकोनॉमी के लाता हूँ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को लाता हूँ, कंटेम्प्रेरी जो इन्फॉर्मेशन से उनको लाता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज क्यों ना बच्चों से जनरल साइंस में कुछ प्रश्न किए जाए, तो उसी दिशा में मैंने एक प्रश्न आपके पास रखा, ठीक है ना। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न मैंने ले आया है और कोहरा और धुंध से लाया है, ठीक है ना। तो कोहरा और धुंध क्या है, ठीक है, ये अंग्रेजी में जिसको डस्ट और फोग कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे, डस्ट एंड फोग। तो ये जो दोनों शब्द है उसके बारे कह रहा है कि ये क्या है, क्या ये जल का वायु में रियल सॉल्यूशन है, क्या ये जल का वायु में कोलाइडल सॉल्यूशन है, और क्या ये वायु का जल में ओरिजिनल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन है, या वायु का जल में कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आपको सोचने के लिए थोड़ी सी समय लग जाता है कि भाई मैंने जाना तो है कि कोहरा तो देखता हूँ जाड़े के दिनों में, धुंध का भी एहसास होता है, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं बच्चे। तो ये इशारा है आपको यह बताने के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। याद रखिए तो जब भी आप एनसीईआरटी किताब खोलते हैं तो आपसे परामर्श दिया जाता है कि क्लास 8, 9, 10 यहाँ तक के एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको फॉलोअप करें। अभी एग्जामिनेशन जब भी आएगी उससे पहले आपको ये पर्याप्त समय मिल जा रहा है कि आप इसका जवाब तय कर लें। तो प्रश्न संख्या दूसरा का जवाब मुझे जो लग रहा है वो है कि जल का वायु में वास्तविक विलयन, इसी को क्या कहते हैं, कोहरा और धुंध का जो है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया। अब मैं प्रश्न संख्या 3 की ओर ले जाते हुए आवश्यक जानकारियों को देना चाहूंगा। हाँ, एक अम्ल क्या लिखा हुआ, एक अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या उत्पन्न होता है, मतलब क्या कहेंगे, उत्पन्न, क्या उत्पन्न होता है, मतलब एक एसिड और एक बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या बाय प्रोडक्ट बनता है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, लवण और जल, क्षार, अम्ल, और यहाँ पे लवण होगा, इसको लवण कह सकते हैं, लवण और ऑक्सीजन। ऐसा मैंने चार ऑप्शन दे रखा है, तो आप हमें बताएं तो जल्दी से कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए। लवण और जल होता है, बाय प्रोडक्ट का आउटपुट या क्षार होता है या अम्ल होता है, या लवण या ऑक्सीजन होता है। तो चलिए आपकी बारी शुरू होती है और आप अपना अपना आंसर बताएं, क्योंकि आप आंसर बताएंगे उसके बाद ही मैं इसकी व्याख्या कर पाऊंगा। तो चलिए जवाब तो आना शुरू हो गया है आप लोगों का, और सॉरी बड़ी खांसी बड़ी हुई है तो मैं कोशिश करूंगा कि, तो चलिए मैं इसका नमूना दिखाता हूँ आपको कि कैसे मैं कैसे बाय प्रोडक्ट इसका क्या है। अगर मैं अम्ल के साथ क्षार का रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है ना, अम्ल के साथ क्षार का रिएक्शन कर रहा हूँ और हमें चाहिए इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, अम्ल को ले लेते हैं, मान लिया जाए अम्ल की बात, तो मैंने अगर NOH को लिया और अगर HR की बात की है, HCl को कर लिया, या फिर आप जिसको इस रूप में ले लें, अगर मैंने इसको इस रूप में कर दिया, ठीक है ना, अब इसका जो बाय प्रोडक्ट आएगा वो आएगा NaCl प्लस H2O। यहाँ जो मिलाए हैं इसको मैं क्या कहूँगा, लवण कहूँगा, है ना, लवण कहूँगा, ये तो जल हो गया। तो NaOH प्लस HCl के बीच में रिएक्शन होता है तो NaCl प्लस H2O लिबरेट होता है, H2O लिबरेट होता है, लिबरेट मतलब बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये था एक बहाना जिसमें मैंने प्रश्न का जवाब आप तक पहुंचा दिया हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लवण और जल। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न क्या, देखिए अभी ये प्रश्न मैंने कहाँ से उठा लिया, ये बायोलॉजी से। बायोलॉजी के भी प्रश्न याद रखिएगा कि ये जनरल साइंस जो है ना, तो मैंने आपको बताया जनरल साइंस में प्रश्न आते क्या क्या, आप जान लीजिए कि फिजिक्स से कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना, उसका कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, बायोलॉजी के कुछ अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा इकोलॉजी या साइंस टेक, साइंस टेक के भी, है ना, साइंस प्लस टेक,
आइंस्टाइन के प्रश्न भी होते हैं, सबको मिला के साइंस का क्वेश्चन तय होगा। तो प्रश्न है रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे? श्वसन से, उपापचय, इसको क्या कहेंगे? उपापचय, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। उपापचय अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? मेटाबॉलिज्म। प्रकाश संश्लेषण से और वृद्धि से, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में आपको कोई ना कोई जवाब आपको दिखाना चाहिए। तो क्या होता है इसका जवाब, थोड़ा आपने से लिख करके बताएं हमें इसका जवाब क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं, जिसको सेल का क्या कहते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस कहा जाता है। और यह संदर्भ है, इसका संदर्भ किससे होगा? तो चलिए, आपकी बारी शुरू हो गई है। मुझे लगता है इसका जवाब श्वसन होना चाहिए, अर्थात अंग्रेजी में जिसको रिस्पिरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, क्योंकि आप पता है कि जितना भी सेलुलर रिस्पिरेशन होता है उसका महत्वपूर्ण वो क्रैब्स साइकिल जो है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही शुरू होता है। क्योंकि सेल की जो भीतरी झिल्ली होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों के जो मूवमेंट तंत्र के वर्णक जो है उसमें उपस्थिति होने के कारण यहीं पर अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी अणु जो है संश्लेषित होते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इससे हो गया, श्वसन से हो गया। ठीक है, अब हम लोग कोशिश करते हैं प्रश्न संख्या 5 का जवाब। शरीर से पसीना कब निकलता है अधिक, लेकिन संदर्भ क्या है? शरीर से पसीना अधिक कब निकलता है? ठीक है, तो शरीर से पसीना कब अधिक निकलता है, इसके लिए संदर्भ क्या हो गया? जब तापमान, जब तापक्रम अधिक और हवा सूखी हो, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, आर्द्र का मतलब ह्यूमिड से, आर्द्र का क्या मतलब है? ह्यूमिड से। या फिर जब तापक्रम कम हो और हवा आर्द्र हो, या फिर जब तापक्रम कम हो और हवा सूखी हो। तो शरीर से जो स्वेटिंग होती है वो कब मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम कब होती है, ये है प्रश्न संख्या। तो आप हमें बताने की कोशिश करें प्रश्न संख्या 5 का जवाब ए बी सी डी में क्या होगा। जवाब आपने बता दिया, मुझे लगता है कि वो कंडीशन तब होती है जब टेम्परेचर जो है मैक्सिमम होता है और हवा जो है आर्द्र होती है, अर्थात जब टेम्परेचर ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी जो है बनी हुई हो, हवा के एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो तय मानिए कि पसीना ज़्यादा निकलेगा, कटिंग ज़्यादा होगा। ये पाँचवें प्रश्न का जवाब जो मैंने कहा, मैं बेसिक प्रश्नों को आपके समझ लाता हूँ, ये एक तरह से क्या कहा जाए ना, मेंटल अलर्टनेस को वो बताने वाले प्रश्न हैं। परीक्षा में होता क्या है कि एक प्रश्न पर आपको कितने अंक, कितने सेकंड मिल रहे हैं? 20 सेकंड आपके लिए काफ़ी होंगे, इससे ज़्यादा में आप समय लेते हैं तो आप प्रश्न को पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। देखिए, कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सा समूह उपयुक्त है? प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप, शुष्क हवा। तो ये है आपका प्रश्न संख्या 6 का जवाब। तो 6 का जवाब को बताने के लिए आपने क्या चुना है? प्रबल वायु, उच्च आर्द्रता, उच्च ताप और शुष्क हवा। तो इसके संदर्भ में आपको जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसका शुष्क हवा जो है ये इसका सही जवाब होगा। ड्राई एयर जो है ना, ये आपको बता देना चाहिए, ड्राई एयर का सही जवाब होगा। कपड़ों को सुखाने के लिए जो अवस्थाएँ हैं उसमें सबसे उपयुक्त कौन है? ड्राई एयर। ठीक है, ये स्थिति बने तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब हमने दे दिया। अब क्वेश्चन संख्या देखिए 7 में आ गए कि ऐसे दो एलिमेंट्स में जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? ठीक है, क्या कहते हैं? क्या आइसोटोप्स कहते हैं इसको? क्या कहेंगे इसको? असमस्थानी को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? आइसोटोप्स कहेंगे क्या? या फिर इसको आइसोबार कहेंगे क्या? हाँ, आइसो बार कहेंगे क्या? या फिर इसको आइसोमेरिस्म कहेंगे क्या? ठीक है, ठीक है, ये मैंने आइसो न्यूट्रॉनिक मतलब सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, आइसो न्यूट्रॉनिक कहेंगे। खैर, ये 3-4 मैंने ऑप्शन दे करके आपको बताया कि जब दो एलिमेंट्स में जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, है ना, इलेक्ट्रॉनों की भिन्न भिन्न हो लेकिन एटॉमिक मास समान हो, तो मुझे लगता है ऐसी स्थिति में इसको आइसोटोप कहा जाए। अर्थात प्रश्न संख्या 7 का जवाब जो है वो आइसो भार से जुड़ता है। देख
करेंगे आप इस पर, यदि कोई संशोधन करना होगा तो आप एक बार इसमें ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपको प्राइमा फेसी आपको लगे कि नहीं समहारिक नहीं होगा सर, समस्थानिक होगा, तो आप इसको देखने का प्रयत्न करेंगे। मैंने इशारे से आपको अपना जवाब बता दिया है। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, आप संशोधन भी कर सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, 8वें का जवाब, किसी परमाणु में का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है न्यूक्लियस में प्रोटोनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो ऐसे ही प्रश्न को याद रखिएगा, किसी भी परमाणु में एटम में केमिकल बिहेवियर होता है कि कितना वो एफिनिटी रखता है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, हाँ दूसरे एटम के साथ कितनी वो एफिनिटी रखता है या कितना रिटार्डेशन मोड पर रहता है, ये सब निर्भर करता है कि उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। समझ गए? तो ये मैंने एक तरह से जवाब बताने की कोशिश की है। ठीक है, जवाब हो गया। अब ऐसे ही प्रश्नों को आप थोड़ा आप भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रश्न किस तरह से आते हैं एग्जामिनेशन में। कमोबेश ऐसे ही प्रश्न जो है सो परीक्षा में परेशान करते हैं बच्चों को। पढ़कर सभी जाते हैं, लेकिन वन लाइनर पढ़ के जाते जरूर है, यहाँ भी तो वन लाइनर ही है लेकिन थोड़े से क्लिष्ट है, थोड़ा ट्विस्टेड है। ठीक है, ऐसा जवाब आप होना चाहिए। एक गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, कोई भी गैस है अगर उसको लिक्विफाइड किया जाए, द्रवित मतलब क्या कहेंगे, लिक्विफाइड है ना, लिक्विफाइड अगर किया जाए तो कौन सी कंडीशन है, क्या टेम्परेचर बढ़ा के लिक्विफाइड कर सकते हैं, टेम्परेचर कम करके लिक्विफाइड कर सकते हैं, या प्रेशर को बढ़ा के लिक्विफाइड कर सकते हैं, या प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके लिक्विफाइड कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या आपको दिख रहा है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप क्या करेंगे, आपको इसके जवाब में विकल्प जो है सो होना चाहिए डी नंबर, अर्थात प्रेशर को अगर इंक्रीज किया जाए और टेम्परेचर को कम किया जाए तो किसी भी गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, तो 9 प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। अब थोड़ा 10 प्रश्न पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आसानी से चिपक जाते हैं, ये प्रश्न है। तो 10वें प्रश्न का जो जवाब होगा उसके ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है। मान लिया जाए दो बर्फ का स्लैब आपने ले लिया, क्या ले लिया, ट्यूब ले लिया, और उसके टुकड़ों को अगर दबा रहे आपस में, ठीक है दबा रहे, तो आसानी से वो चिपक जाते हैं थोड़ी देर में। देखा जाएगा आपने, अगर ट्यूब ले लिया बर्फ का और उसको थोड़ी देर दबा के रखिएगा तो पता चलेगा आपस में चिपक गए। तो क्या कारण हो सकता है, क्या दाब अधिक होने पर बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, या दाब यहाँ बाह होगा दाब दाब, या दाब अधिक होने से बर्फ का बर्फ है ना बर्फ क्या होना चाहिए बर्फ बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, गलनांक मतलब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट, शुरू मैंने घटना बताया यहाँ बढ़ना होता है, या फिर दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका जवाब, आप उम्मीद करें कि कोशिश करें। प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका जो जवाब होना चाहिए 10वां का, वो मुझे लगता है कि होगा दाब अधिक होने से बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है तो एक तरफ से घट जाने से क्या होता है कि वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ये मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो ये प्रश्न संख्या 10 का जवाब जो है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग कोशिश करते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर आने। देखिए, धातु कोई मेटलिक टेबल है, ठीक है ना, मेटलिक टेबल पर रखा हुआ कोई गर्म कॉफी कॉफी की कोई कप रखी हुई है, और वो किस विधि से ठंडा होगा, अगर उसकी ठंडा होने का पूछा जाएगा कि मेटलिक टेबल में गर्म कॉफी रखी हुई, ठीक है ना, और वो किस विधि से ठंडा होगी, अगर वो ठंडा होगी जाहिर सी बात है जब उस थोड़ी देर उसका यूज ना किया जाए थोड़ी देर तो ठंडा होगा, तो वो ठंडा होने के पीछे कौन कौन से ये काम करते हैं, कारण काम, चालन, चालन को क्या कहेंगे, कंडक्शन। क्या आप हमें बताने की कोशिश करें, अंग्रेजी जानने वाले बच्चे, और ये रेडिएशन होता है, विकिरण को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। तो आप हमें बताने की कोशिश करें
कन्वेंशन जिसको कहते हैं चालन कंडक्टर, तो मैंने चार ऑप्शन दे रखा, तो आप इसमें बताएं कि क्या होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 11 का जो जवाब आपकी ओर से जो आता दिख रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है और आप मेहनत कर रहे हैं, तो बताया जाए क्या होगा। मेरी समझ में तो ये जवाब ये प्रतीत हो रहा है कि काफी जो ठंड होगा, अगर गर्म से तो कंडक्शन प्रोसेस भी होगा उसमें रिस्पॉन्सिबल है ना, समान भी होगा, रेडिएशन भी होगा, वेपोराइजेशन भी होगा, सारी क्रियाएं किसी तर्क प्रयास से ठंडा होगा। तो 10वें 11वें प्रश्न के साथ हमारी बात अभी तक आगे बढ़ी है और हम लोग देखते हैं कि 12वें प्रश्न में क्या। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है, ह्यूमन जो आई होती है ना, ह्यूमन आई, उसके वह भाग जिस पर इमेज बनता है, इमेज इमेज जो बनता है वो कौन सी कहलाती है, पुतली कहलाती है, कॉर्निया, रेटिना, आयरिस, ये 12वें प्रश्न का जवाब होना चाहिए जो आपकी ओर से मुझे मिलना चाहिए। तो मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना। जिस पर इमेज बनता है ना उसको रेटिना कहते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न देखिएगा, कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कुछ बायोलॉजी के होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो 20 प्रश्न जो आएंगे जनरल साइंस में, उसमें आपको जनरल साइंस में जो 20 प्रश्न आएंगे उसमें मैं बताऊँ कि अगर आपको 17 आ जाता है, 17 आ जाता है तो आप बेहद सेफ जोन में आ जाते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और अप्लाइड प्रश्न होंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आएंगे ना वो अप्लाइड होंगे, तो अप्लाइड प्रश्नों में कमांड करना और उस पर अपनी पकड़ बनाना ये अपने आप में आपकी हुनर होती है। और थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दिया आपने अर्थात 20 अंकों में अगर आपने कम लाया तो तय मानिए कि आपको परीक्षा से दिक्कत हो जाएगी, अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 पर। देखिए जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं ना मेरे साथ, आज सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है। कहता है किसी गैस का लिक्विफाइड है ना द्रवण बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्न दाब, लोअर प्रेशर, हाई टेम्परेचर। लोअर प्रेशर, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। तो कंडीशन ऐसा दे दिया है हमने। अब मुझे लगता है कि ये चाहे हिंदी जानने वाले बच्चे हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हो, उनके लिए ये परेशानी वाला प्रश्न नहीं है। मतलब गैस प्रश्न क्या कहता है, गैस का लिक्विफाइड होने में कौन कौन सी अवस्था, यही ना कह रहा है, गैस का लिक्विफाइड होने में कौन कौन सी अवस्थाएं रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें जवाब जो होगा तो मुझे लगता है कि प्रश्न संख्या 13 का जवाब जो है ये होना चाहिए, अर्थात हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है ना, ये जवाब होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 का जवाब हमने दे दिया है। तो याद रहे ऐसे ही प्रश्नों को आप करते हुए परीक्षा में आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी को दुरुस्त करेंगे, ठीक है ना। और तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने अगर 13 प्रश्न कराए हैं तो एक बार आप हमें बताने की कोशिश करें कि 13 में आपको कितने अंक आए। तो जितने भी छात्र जो हैं अभी मेरे सत्र से जुड़े हुए हैं या छात्राएं जो अलग अलग स्थानों से मेरे कोर्स को या मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि 13 क्वेश्चंस में यदि आपने मेरे प्रश्नों को हल किया है तो बताइए तो कि कितने प्रश्न आपने स्कोर किया अभी तक, ठीक है। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। मुझे लगता है जो 13 में जो बच्चे अगर अभी तक 10 लाए होंगे, जो 10 लाए होंगे मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मतलब उनको मैं कहूँगा कि वे सेफ जोन में हैं, बिल्कुल सेफ जोन में। इससे नीचे जो बच्चे हैं उनको उनसे मेरा परामर्श होगा तो थोड़ा मेहनत करें, है ना, मेहनत करेंगे तो निस्संदेह आपकी बहुत शानदार कमांड आ जाएगी। तो हम लोग चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। तो अगला प्रश्न देखिए 14 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 के रूप में आ गया। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा, ये क्या होगी, वर्षा मतलब एसिड रेन में सबसे अधिक होती है, HCl, HNO3, H2SO4, और ये क्या होगी, H2CO3, ऐसे क्या, ये कौन सा कंपाउंड लग रहा है, देखा जाए ये लग रहा है H2CO3। तो अम्ल वर्षा में जो एसिड रेन होता है उसमें सबसे ज्यादा
एसिड रेन में सबसे ज्यादा जो बाय प्रोडक्ट जो है अधिक होती है विचारों ऑप्शंस में, उनका ही जवाब देना है आपको, ठीक है। एसीएल तो जानते हैं हम लोग क्या कहा जाता है, चलो कि नाइट्रिक एमिन कहते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया ऊपर वाला ना, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, ये नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, H2CO3 हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसा लिखा हुआ। तो आपको इस प्रश्न में मैंने एक तरह से फंसाने की कोशिश की है, यह जानते हुए कि आप हमें बताने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये जवाब इसका जेन्युइन जवाब, तो क्या ये जवाब मेरे जवाब से आपका जवाब मैच किया? यदि मैच किया तो ये आप सही सही जगह मुहर लगाए, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो उम्मीद करते हैं कि 14 प्रश्न के साथ आगे भी आप मेरे साथ बने रहेंगे और नवीनतम प्रश्नों की क्वालिटी से आपको हमें रूबरू कराते रहेंगे। तो प्रश्न संख्या इस पर आ गए 14 नंबर। तो जितने भी आज हमारे साथी जुड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि आज के सत्र को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, है ना, सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न लाए जाते हैं उसको जरूर देखें आप, चाहे मैं जिस फॉर्म में लाऊं, चाहे स्पेशल क्लास में लाऊं, चाहे उसे यूट्यूब में लाऊं, मैं जो प्रश्न लाता हूं ये आपके प्रोबेबिलिटीज को बढ़ा देती है। देखिए प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केमिकल परिवर्तन का उदाहरण है, अर्थात केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, ठीक है, कौन सा, कागज का जलना, नर्व लोहे पर चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से जल कर दिया जाए, जल से बर्फ के घनों का बनना, घन का मतलब क्या हो गया, क्यूब, ठीक है। तो आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो बताया जाए कि इसमें क्या जवाब होगा। संख्या 15 में हमारी बात आ गई है, आप हम बताइए क्या जवाब होगा। मुझे लगता है कि अगर केमिकल चेंजेस की बात आ रही है तो वैसे चेंजेस केमिकल चेंजेस होते हैं जो वापस अपने पैरेंट फॉर्म पर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, अर्थात एक बार रिएक्शन कर दिया जाए तो वापस अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाते हैं, तो वैसा सिर्फ एक ही गतिविधि में हो सकता है और वो है कागज का जलना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब अभी तक हम लोगों ने साझा कर दिया, तो ऐसे ही नए नए प्रश्नों को करते रहने की आदत आ, तो इसके लिए करना कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी किताब जो है ना उसके ऊपर बेसिक तरीके से पढ़ना जरूरी है। यदि आप पढ़ते हैं तो तय मानिए कि आपकी तैयारी पहले से दुरुस्त हो जाएगी और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप तक पहुँचे और आप उसका अधिकतम मूल्यांकन कर सकें। तो प्रश्न संख्या 15 के बाद मैं थोड़ा सा 16 में आता हूं। लोहे की कील में जंग लगने पर उसके भार में कमी हो जाती है, ये ऑप्शंस नंबर है, उसके भार में वृद्धि हो जाती है, भार में मैं है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता अपितु यहाँ पर लोहा, लौटा नहीं होना चाहिए, लोहा, लोहा ऑक्सीडाइज हो जाता है, प्रश्न कहता है भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि लोहा, यहाँ पर लोहा होगा, ये रिडक्शन, उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो लोहे का कील है और स्टील में अगर जंग लगना, तो जंग लगने पर कौन सी स्थितियां बनती है, ए बी सी डी के संदर्भ में आप बता रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है प्रश्न संख्या 16 का जवाब, ठीक है, प्रश्न संख्या 16 का जवाब क्या होगा वो आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, 16 का जवाब ए बी सी डी में क्या होगा, चलिए कोशिश कीजिए कि 16 का जवाब आप हमें बता दें। मुझे लगता है कि इसके भार में वृद्धि हो जाती है, जाहिर सी बात है ऑक्सीडाइज होगा तो उसका भार जो होगा, पहले से जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसका वेट तो बढ़ेगा, मुझे प्राइम ऑफ फेसी तो यही प्रतीत होता है। तो 16 प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया, ठीक है ना। तो 16 प्रश्न के बाद हमारी बात अगर आगे की ओर चले तो हम लोग देखते हैं क्या, देखिए अब कहता है जर्मन सिल्वर हाँ मिश्र धातु, ये क्या था क्वेश्चन, मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है ये आपको बताना है, जर्मन सिल्वर जो है ना, जर्मन सिल्वर ये क्वेश्चन किसका एलोई बता रहा है, क्या वो गोल्ड और सिल्वर का है या फिर कॉपर और रजत, या रजत थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है,
संवार लीजिएगा, संवार लीजिए। और तांबा, जस्ता और रजत का, या फिर तांबा, ये तांबा हो गया, तांबा, जस्ता और निकेल, ऐसे है। तो क्वेश्चन संख्या 17 में आप है और मुझे बताने की कोशिश करें, सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा ए बी सी डी में, सही प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे स्टूडेंट जो है तो सही दिशा में काम चला रहे हैं, सही दिशा में पढ़ रहे हैं। तो चलिए उसका जवाब जो होगा, प्रश्न संख्या 17 का जवाब हो गया तांबा, जस्ता और निकेल, ठीक है ना, ये इसका जवाब। प्रश्न संख्या 17 का बात हो गया। थोड़ी देर बाद मैं आपसे ये भी कोशिश करूंगा कि 20 प्रश्न तक जब मैं पहुंचूंगा ना, तो उसके बाद जानने की कोशिश करूंगा कि आपने कितने अंक लाए, देखते हैं कहां तक हमारी बात चलती है ना। प्रश्न संख्या 17 का जवाब हो गया, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा आमला अंगूर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता, इसका मतलब हो गया तीन ऐसे अम्ल हैं जो अंगूर में पाया जाता है, एक अम्ल है जो नहीं पाया जाता है, तो क्या टार्टरिक एसिड है या एसिटिक एसिड है या साइट्रिक एसिड है या मैलिक एसिड, ये आपको बताना। तो चलिए पहल करते हैं और आप अपनी पहल से हमें रूबरू करवा दें कि क्या इसका जवाब होगा। जितने भी कैंडिडेट हैं जो सत्र से जुड़े हैं वो अपनी प्रश्न संख्या 18 लिख करके ए बी सी डी दर्ज कर लें, ए बी सी डी दर्ज कर लें। चलिए कोशिश करते हैं, तो सबका आ गया होगा जवाब। मैं बता दूं कि एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है ना, एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है, इसका मतलब हो गया ये पाया जाता है, ये पाया जाता है, ये पाया जाता है ना। प्रश्न संख्या 18 का बात हो गया। अब हम लोग 19 पर चलते हैं। 19 क्या था कि किसी कालीन, कालीन का मतलब समझ रहे हैं ना, जो घर में बिछाए जाते हैं, अगर उसकी सफाई हो रही है तो यदि उसमें उसे जो है सो छड़ी से अगर पीटा जाता है, ठीक है ना, अगर उसको हम लोग छड़ी से पीट रहे हैं तो उस पर कौन सा नियम लागू होता है, ठीक है, तो गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम और गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो ये देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, कि कोई मैट है और उसको हम लोग छड़ी से पीट रहे हैं तो जाहिर सी बात है डस्ट उसमें जो जड़ा हुआ रहेगा, जो फंसा हुआ रहेगा वो निकल जाएगा, लेकिन उस पर कौन सा नियम लागू होता है। तो मुझे लगता है कि आपने यदि न्यूटन का पहला नियम पढ़ा होगा जिसमें ऐसा लगता है कि कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहिए, जब रहना चाहेगी जब तक कोई आउटर फोर्स उसको डिस्प्लेस ना कर दे। उसी तरीके कोई अगर वस्तु मोबाइल मोड में है या मूविंग मोड में है तो तब तक वो भी मोड में रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स को रोकने की कोशिश ना करे। ये गति का पहला नियम है जो आप लोग बेहतर जानते हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि उस संदर्भ में इसका ये जवाब बिल्कुल जेन्युइन जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19, तो 19 के साथ अब हमारी 20 पर आ जाते हैं। 20, निम्नलिखित कौन सा पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, कौन सा प्लांट सेल में मौजूद होता है लेकिन वो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है, राइबोसोम, गॉल्जी काय, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, राइबोसोम जानते हैं जिसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाना जाता है, लवक जिसको अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं, लवक को क्या कहते हैं, प्लास्टिड एंड सेलवाल, उसी तरीके से सेलवाल और लाइसोसोम जिसको सुसाइड बैट कहते हैं अपने स्कूल में तो चलिए आप लोग प्रश्न संख्या 20 का प्रश्न लिख करके इसका जवाब आप हमें बताने की कोशिश कीजिए, तो क्या जवाब होगा। तो यहाँ प्रश्न क्या था कि कौन सा एनिमल सेल में, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, तो वो जो होता है वो होता है आपका ये वाला प्लास्टिड और सेल वाला, ये है ना, किसमें होता है वो प्लांट सेल में देखा जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं देखा जाता है। प्रश्न संख्या 20 का जवाब आज निश्चित हो गया कि आपको इसकी जानकारी हो गई। तो मुझे लगता है कि मैं 20 प्रश्न यदि तक किया हूँ
20 प्रश्न में आप मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या आपको आपके प्रश्नों का स्तर, पहले तो ये बताएं कि मेरे क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है, ताकि आप हमें इशारे से ये बता सकें कि ऐसे प्रश्नों का जवाब जो है आपको नियमित रूप से मिलते रहना चाहिए। तो यदि मैं साइंस सेगमेंट से ऐसे प्रश्न लाया हूँ तो मेहनत मनोज सर ने भी काफ़ी मेहनत कराया होगा इस दिशा में। आप लोग बड़ी सहलता से 17 तो ले ही आए, तो जो बच्चे 16 टू 17 या 16 टू 18 19 तक है तो बेहद कंफर्ट जोन में है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब हो गया। तो चले हम लोग प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। क्या है किसमें कह रहा है कि कोशिका की ट्रैफिक पुलिस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं या गॉल्जी बॉडीज को कहते हैं या राइबोसोम को कहते हैं या लाइसोसोम को कहते हैं? अब कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? ठीक है, कोई भी सेल है उसका ट्रैफिक पुलिस कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है, गॉल्जी बॉडीज है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है? तो आप हम इसका जवाब बताइए प्रश्न संख्या 21, ताकि मैं आपको आगे की ओर ले चलूँ। चलिए क्या जवाब होना चाहिए, तो इसका जवाब जो है ना वो हो जाएगा, मेरा ख्याल है कि गॉल्जी बॉडी जो होता है ना उसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। याद रखिएगा ये कोशिका का एक मेजर पार्ट है। ट्रैफिक पुलिस का मतलब है कि वो एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है ना, तो ट्रैफिक पुलिस का वही मतलब होता है, किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है, मतलब जो पदार्थों का जो डिस्पोजल होता है या एक स्थान एक सेल या एक झिल्ली से होकर के दूसरे जगह मूवमेंट होती है और ऑर्गेनेल्स का, ये गॉल्जी बॉडीज से उसको ट्रैफिक पुलिस का। तो प्रश्न संख्या 21 तक तो हो गई ये बात ना, और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए ना प्रश्न संख्या 22 क्या है। निम्नलिखित में से किस एक में सिल्वर नहीं होता, चांदी नहीं होता? तो चारों नाम जो है ना आपको उसमें चांदी की अवेलेबिलिटी होगी, नाम से तो पता चल रहा है सब में सिल्वर जुड़ा हुआ है। यहाँ लूनर कास्टिक समझौता इसको भी सिल्वर का ही कुछ मानेंगे, लेकिन कहता है उसमें कि रजत नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप देख रहे हैं क्या होगा। तो यहाँ मैं बता दूँ कि हॉर्न सिल्वर की जहाँ तक बात है, हॉर्न सिल्वर की बात की जाए तो इसको कहते हैं हम लोग, हॉर्न सिल्वर को बात कहते हैं, क्या कहते हैं, AgCl, क्या कहते हैं इसको, AgCl का। ठीक है, अच्छा लूनार कुश्ती अगर इसकी बात करने थोड़ी देर तो रूबी सिल्वर की बात कर ले, इसका फॉर्मूला है Ag3 AsS3, इसका फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला। और लूनर कास्टिक की अगर बात करें तो Ag क्या हो जाएगा, AgNO3 का, इसकी क्या हो जाएगी, जर्मन सिल्वर। इसके बारे में बता दूं कि जर्मन सिल्वर में पाया क्या है, हाँ इसका जवाब यही है, ये रजत की मात्रा नहीं है। रजत की मात्रा नहीं इसका मतलब क्या है, इसमें 60% जो है ना कॉपर पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में 60% कॉपर पाया जाता है, 20% निकेल पाया जाता है। ठीक है, 20% निकेल पाया जाता है और कहेंगे तो हम लोग 20% जो है ना तो क्या पता है ZN पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है। तो आपने देखा है इसकी कंपोजिशन में 60% तो हो गया कॉपर का, 20% हो गया निकेल का, मतलब 80% हो गया और 20% जिंक। तो इसमें सिल्वर की तो कोई मौजूदगी है नहीं, फिर भी ये जर्मन सिल्वर है। ठीक है, तो इसी का कई उपनाम है, याद रखिएगा जर्मन सिल्वर को ही हम लोग निकेल सिल्वर भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्न में से किस सिल्वर को निकेल सिल्वर की संज्ञा दी जाती है, तो जर्मन सिल्वर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन क्यों इसे सिल्वर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये चमकने और चमकता है, चांदी की तरह ही इसका चमकना होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जर्मन सिल्वर। और इसके कभी कभी इसको न्यू सिल्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यू सिल्वर भी कहते हैं। और कहीं कहीं इसका क्षेत्रीय नाम है
और इसका एक और नाम बता देता हूँ, अल्पक्का भी कहा जाता है किसी किसी क्षेत्र विशेष में, और कहीं कहीं इसको कहते हैं क्या कहते हैं पैक्टॉग, पैक्टॉग भी कहा जाता है। तो ये जर्मन सिविल रिवर के 3 नाम हमने बता दिया आपको, ठीक है ना, याद रखिए। तो 22% की बात हो गई है ना, तो कैसा लग रहा है आपको 22% में? अभी तक हम लोगों ने 22 प्रश्नों का समाधान किया है, तो आप हमें बताएं कि 22 प्रश्नों के साथ अभी तक आप हैं तो कैसा लगा आपको प्रश्न का जवाब, ठीक। तो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प है ना, अर्थात फिलोसोफर वुल कहते हैं, किसको कहते हैं फिलोसोफर वुल? तो क्या वो जिंक ब्रोमाइड हो गया, क्या जिंक नाइट्रेट हो गया, या जिंक ऑक्साइड हो गया, या जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो ZnBr जिसको कहते हैं ना जिंक, क्या हो गया ZN, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3, नाइट्रेट तो ही ना होगा, जिंक साइड ZnO और जिंक क्लोराइड ZnCl। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और कहता है कि इनमें से किसको जो है सो क्या कहते हैं कि यह सब पुष्प कहते हैं, अगर फिलोसोफर वुल कहा जाए। तो प्रश्न संख्या ये जो है ना आपका, इसका जवाब बताने की कोशिश करेंगे। 23 का जवाब क्या हो गया? सारे लोग इकट्ठे जवाब बताइए, उनकी पहल से ही आपने पढ़ा होगा स्कूल में। तो मुझे लगता है इसका जवाब जो है ना वो ZnO होना चाहिए, अर्थात जिंक ऑक्साइड होना चाहिए। इसके बारे में जान लें कि ये कैसा होता है, इसका फिजिकल अपियरेंस कैसा है। तो ये सफ़ेद पाउडर की तरह होता है, सफ़ेद पाउडर की तरह होता है जो कि जल में क्या है, आघुलनशील है। जल में क्या है, जल में आघुलनशील है, आघुलनशील है, ठीक है, जल में आघुलनशील। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पिगमेंट में, पिगमेंट में इसका उपयोग होता है, ठीक है, साथ साथ कॉस्मेटिक बनाने, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक बनाने में काम होता है, ग्लास बनाने में काम होता है, ही बनाने में काम होता है, ठीक है। ये इसका यूज है, इसका ZnO, समझ गए ना, जिसको ये फिलोसोफर मैंने कहा। कभी कभी इसको ना क्या कहते हैं, जिंक वाइट भी कहते हैं, याद रखिएगा, जिंक वाइट भी कहते हैं ये नाम। तो इसकी खासियत होती है ना कि त्वचा को जो है सो सनबर्न से बचाता है, ठीक है, ये इसका परिचय हो गया। और ये पृथ्वी के क्रस्ट पर अगर देखा जाए, इसकी बात कर रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की क्रस्ट में ये जिंकाइट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? अर्थ के क्रस्ट में क्या होता है, जिंकाइट के रूप में ये पाया जाता है, जिंकाइट के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। अच्छा थोड़ी जरा इसकी बात कर दूं कि ZnCl की बात कर दूं, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसका फिजिकल नेचर, इसका क्या फिजिकल नेचर पता करके रखेंगे, ये क्या है, किस फॉर्म पे मिलता है, क्या इसका अपीयरेंस, फिजिकली अपीयरेंस कैसा होता है, ये आप थोड़ा सा अपने स्तर से पता करेंगे। लेकिन इस प्रश्न का जवाब क्या था, वो जिंक ऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब हो गया, चले हम लोग 24 की ओर चलते हैं, क्यों चलिए। तो क्वेश्चन संख्या 24 में आप आ गए हैं, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित क्या है? मतलब मिल्क में जो है ना, मिल्क में क्या मिल रहा है आपको, प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन कहता है कि इसके अलावे और कौन कौन सा न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस मिल्क में मिलता है, कैल्शियम पोटेशियम और आयरन एलिमेंट्स, कैल्शियम और पोटेशियम एलिमेंट्स, पोटेशियम और लॉ एलिमेंट्स, और कैल्शियम और लॉ एलिमेंट्स, तो क्या मिलता है? तो इसका जवाब जो है मुझे लगता है आप एक बार पहल करके बताएं तो क्या हो सकता है 24 का जवाब। मुझे लग रहा है इसका जवाब जो है सो ये होना ज्यादा उचित है, कैल्शियम पोटेशियम और लौह तत्व, ठीक है ना। ये तो दूध के कंपोजिशन की अगर बात की जाए, तो दूध में जो है ना पानी की अगर मात्रा की जाए, ये जो पानी की अवेलेबिलिटी होती है वो इतना परसेंट होता है, सोच लीजिए 95% पानी की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, मिल्क में। और अगर प्रोटीन की बात करें, मिल्क में प्रोटीन कितना होता है, तो प्रोटीन की अवेलेबिलिटी अगर बात करेंगे तो 3.4% प्रोटीन की अवेलेबिलिटी होती है। और वसा की अगर अवेलेबिलिटी कहेंगे, तो फैट्स की अवेलेबिलिटी कहेंगे, तो
ये इसके अलावे अगर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन बी वन हो गया, विटामिन बी टू हो गया, ये सब पाए जाते हैं किसमें, किसमें पाए जाते हैं, दूध है ना, अगर देखा जाए तो, और कौन कौन से, ये सब पाए जाते हैं। अगर इसके अलावा खनिज तत्वों की बात किया जाए तो खनिज तत्वों में आपको इसमें आपको मिलना, इसमें मिल्क में पाया जाता है पोटासियम, पोटासियम हो गया, और पोटासियम के अलावा कैल्शियम भी लिख सकते हैं, कैल्शियम भी मिलता है मिल्क में, ठीक है। अगर ये सब एलिमेंट्स की बात हो रही है तो इतना ही नहीं, क्लोराइड का भी कुछ अंश मिलते हैं, माइन्यूट ही मिलते होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें मिल्क में मिलती हैं। अच्छा, फास्फोरस की भी अवेलेबिलिटी होती है, याद रखिएगा, फास्फोरस की भी अवेलेबिलिटी होती है मिल्क। इतने सारे मल्टीपल एलिमेंट्स जो हैं तो मिल्क में अपने अपने परसेंटेज के साथ अवेलेबल होते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 पर हमने बात को पहुँचाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्नों का स्तर आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसी तरह के प्रश्नों को आप यदि करने की ख्वाहिश रखते हैं, मैन अकेडमी पर आपको इस तरह के अच्छे प्रश्नों का ही संकलन मिल पाएगा, और मेरे द्वारा और मेरे जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं सबकी ओर से आपको क्वालिटी क्वेश्चंस देने मिलते हैं। इसी कारण मैं बोलता हूँ कि अक्सर आप हमारे कोर्स से जुड़े और उनसे काफ़ी सम्मानजनक चीज़ें जो है आपको फेवर में लें। 25वां प्रश्न का जवाब अब आना चाहिए हमारे पास ना, कहता निम्नलिखित धातु युग्मों जो ये धातु युग्म जो है, धातु युग्म क्या हो गया, जो मेटल है ना, मेटल को धातु कहते हैं, मेटल पेयर या मेटल पेयर जो है, ये पूछना कौन सा एक सबसे हल्का और सबसे भारी धातु, क्या वो लिथियम है, पारा है, पारा जिसको HG कहते हैं आप पढ़े होंगे, मर्क्यूरी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, या लिथियम या ऑस्मियम या एल्यूमिनियम या ऑस्मियम या एल्यूमिनियम या पारा, मतलब सबसे पहले आपको बताना कौन है, सबसे हल्का कौन, सबसे हल्का कौन है और सबसे भारी कौन, तो हल्का इनमें और भारी खोज के आप बताइए, ताकि मैं आपको आप ही से आश्वस्त हो सकूं क्या होगा इसका जवाब। तो कह रहा है कि ये जो आपको पेयर में ही अर्थात जोड़े में ही खोजना है कि कौन कौन सा है, तो बताइए प्रश्न संख्या 25 का जवाब आप क्या बताना चाहते, क्या होगा 25 का जवाब, ठीक है। तो 25 के जवाब में आपको मुझे लगता है कि अगर हल्के की बात की जाए तो सबसे मुझे लगता है कि इनमें लिथियम ही होगा सबसे हल्का, ठीक है ना, मैं बस कोशिश करूँगा इसके बताने की, डेंसिटी बताने की कोशिश करूँगा, और सबसे भारी की अगर बात करूँगा तो मुझे लगता है वो ऑस्मियम होना चाहिए इस विकल्पों में, हाँ ऑस्मियम होना चाहिए, ठीक है। तो दो विकल्प मैंने दे दिया भारी हो, क्योंकि एक चीज़ यहाँ बताने की हो सकता है कि तत्वों का जो भारीपन होता है ना, तत्वों का जो भारीपन होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, तत्वों का भारीपन जो होता है वह उसके घनत्व पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, उसके घनत्व पर, डेंसिटी पर निर्भर, घनत्व पर निर्भर करता है, ये जानकारी आपके संदर्भ में होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसकी डेंसिटी बता दी जाए, है ना, लिथियम की बताते हैं, लिथियम, लिथियम का क्या सांकेतिक सूत्र है, हाँ उसका ये Li का है, Li, ठीक है ना, तो इसका जो है सो तीन, क्या चीज़ तीन है, एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर तीन है, लेकिन उसकी डेंसिटी जो है लिथियम का 0.534। इसी तरह से अगर मैं पारा की बात करूं, HG जिसको कहते हैं, पारा का जो एटॉमिक नंबर है वो है क्या है 80, याद रखिएगा HG का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 80, लेकिन इसका जो डेंसिटी है वो उस पर आप अभी थोड़ा से देख लें, उसी से अंदाजा हो जाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं अभी जो सबसे भारी है सबसे हल्का है। ऑस्मियम की बात करते हैं, अगर ऑस्मियम की बात करते हैं तो ऑस्मियम का हो जाता है एटॉमिक नंबर 76, और इसका डेंसिटी अगर देखा जाए तो 22.61। तो अगर मैं इसको छांट के ले लूं तो पता चलता है कि तुलनात्मक तरीके से सबसे हल्का तो यही प्रतीत हो रहा है, और ये इसका है ना, क्योंकि इसके बाद अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि प्रश्न के जरिए 25वें प्रश्न के जरिए आपको इसकी व्याख्या बताने की कोशिश की है। क्वेश्चन संख्या 25, तो मैं फिर एक बार बोल दूं कि मैंने अभी तक 25 प्रश्न कराए हैं, तो मुझे साथी जितने कैंडिडेट हैं आज के सत्र में हमें बताइए कि ये 25 प्रश्नों में अभी तक आपने कितना सही किया, क्या आपके 25 में से 20 आए होंगे। अगर 25 में जो बच्चे 20 20 या 21 प्लस चल रहे हैं वो बेहद बेहद सफल जोन में है, तो तय मानिए कि वो उनका सिलेक्शन खासकर 20 प्रश्नों में उनके 20 अंक पूरे आएंगे, ऐसा मेरा मानता हूँ। लेकिन अब तो 25 में करवा, तो बताइए आप लोग कि मेरे प्रश्नों को आप किस रूप में ले रहे हैं, क्या परीक्षाओं की जानकारियां ये प्रश्न है। हो सकता है कि ये प्रश्नों का जो स्तर है वो थोड़ा सा क्या होगा, उसका डिटेल्ड ज़्यादा होगा या कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होंगे, इसलिए बच्चों को पसंद नहीं आते होंगे शुरुआती दौर में, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब इसमें प्रश्न पढ़ लिया, ह्यूमन जो किडनी है उसमें बनने वाले जो पथरी होता है ना, तो जिसको कहते हैं जो अक्सर परेशान करता है, लेकिन यहाँ संदर्भ आया किडनी है ना, वो और भी पथरी जो है तो वहाँ भी होता है, बाइल में भी होता है ना, पित्त में भी होता है, जिसको पित्त की थैली कहते हैं, वहाँ भी होता है। तो क्या हुआ है, क्या वो कैल्शियम ऑक्सलेट है, इसको ऑक्सलेट पड़ेगा, ऑक्सलेट है ना, क्या वो सोडियम एसिटेट है, क्या वो मैग्नीशियम सल्फेट है, क्या वो कैल्शियम, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर हमारी बात आ गई है, अब इसका जवाब आप हमें बताने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है ना ये सही प्रतीत हो रहा है, वो क्या कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है इसका Ca2O4 है, इसका फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें बता दो कि किडनी में पथरी जो होता है ऑक्सलेट जो है, ऑक्सलेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में जितने भी नेचुरल फूड पार्टिकल्स है ना उसमें पाया जाता है, और यह यूरिन के कैल्शियम के साथ मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ठीक है। और अब प्रश्न आता है कि ऐसे सिम्टम्स तो अक्सर देखे जाते हैं लोगों को, तो क्या करना चाहिए कि किडनी में स्टोन बने ही नहीं, क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ों में परहेज के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा परहेज की भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। तो शुगर और एने अर्थात नमक का इस्तेमाल है ना, सोडियम का इस्तेमाल, पोटासियम, सोडियम तो करें, सोडियम जो भी कहें अंग्रेजी में इसको सोडियम एने कहते हैं, ठीक है। इसका सेवन कम करना चाहिए, अगर इसका सेवन कम करते हैं तो फिर ऑक्सलेट बनने की गुंजाइश नहीं रहती। इतना ही नहीं, यदि आप प्रोसेस फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड को भी नहीं खाना चाहिए, तो प्रोसेस फूड जो है ना वो भी परहेज करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में जो फास्ट लाइफ है उसमें लोग प्रोसेसिंग फूड भी खाते हैं, ये रेडीमेड तैयार हुआ बन गया खाते चले गए। इसके अलावा कुछ और परहेज इसमें जानना चाहिए, पालक ज़्यादा पालक खाने से बचना चाहिए, और ज़्यादातर कहेंगे कि बादाम और चॉकलेट जो है ना ये बच्चे खाते हैं, लेकिन बच्चों को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत हो जाती है बादाम और चॉकलेट, ठीक है, ये इसके कारण जो है तो स्टोन बनता है, ठीक है ना। तो ये जवाब हो गया प्रश्न संख्या 26 का जवाब मैंने दे दिया। 27 पर चलते हैं, किस अम्ल के संचय के कारण थकान महसूस होती है, शरीर में जो टायर्डनेस फील होती है, हाँ टायर्डनेस जो फील होती है वो किसके डिपोजिशन से होती है, कौन सा अम्ल का डिपोजिशन के कारण हमें टायर्डनेस फील होता है बॉडी में, क्या वो लैक्टिक एसिड है, क्या वो बेंजोइक एसिड है, क्या पायरुविक एसिड है, क्या वो यूरिक एसिड है। तो आपको प्रश्न संख्या 27 पर लाया है। अब इसी तरह के कुछ छोटे मोटे प्रश्न करके मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूँगा, थोड़ा बताने की कोशिश करें कि प्रश्न संख्या 27 का क्या जवाब।
तो 27 का जवाब हो गया है और जवाब आ रहा है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इसका जवाब है ना, लैक्टिक एसिड जवाब। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C2H5COOH, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जो कि रंगहीन है, चमकदार है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बता दूं आपको, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड। और रही बात पाइरूविक एसिड की, अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए, तो पाइरूविक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो C3H4O3 है, ठीक है ना। ठीक, ताकि आप यूरिक एसिड का पता कर सकते हैं, लैक्टिक एसिड को आपको पहले से पता है, इसकी संचय ज़्यादा हो जाएगा तो टायर्डनेस, ठीक है। चले प्रश्न संख्या 27 का जवाब हो गया, अब हम लोग 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 28 कहता है निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी, ठीक है। पृथ्वी में जो भी एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है उसमें कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसको क्या कर देंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, ठीक है। तो ये आपका जवाब है। तो 28वें प्रश्न का जवाब आप हमें देने जा रहे हैं, 28वें प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं। चलिए 28वें प्रश्न का जवाब में क्या है आपको इसमें बताने की कोशिश करेंगे, क्या जवाब हो सकता है। प्रश्न संख्या 28, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 28 पर आप हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो पृथ्वी में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए, हाँ जीवन की उत्पत्ति के लिए जो है सो मूल उत्तरदायी, जरा सा पहल करके बताइए तो कौन कौन सा होगा। मुझे लगता है कि मूल मूल की बात करेंगे तो ये ज्यादा प्रतीत हो रहा है ये वाला। तो ये प्रश्न संख्या 28 का जो बी विकल्प है ना वो ज्यादा जेन्युइन विकल्प होता है, तो ये मेरी समझ में, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रश्न संख्या 28 के जरिए अपनी बात पहुंचाई है। देखते हैं आगे क्या है सीन 29वें प्रश्न। 29वां प्रश्न था 29 पर आगे, अधिक ऊंचाई पर जल वाटर अपेक्षाकृत कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि क्यों उबलता, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, क्या वाटर का कहेंगे वाटर, क्या वाटर का तापमान कम हो जाता है, क्या गुप्त ऊष्मा कम होती है, क्या उपरोक्त कौन है। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या हो गया, लैटेंट, लैटेंट, ठीक है। तो 29 का जवाब आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो क्या हो सकता है, जब हाइट में ज़्यादा जाते हैं तो वाटर जो है कम टेम्परेचर में ही, कम टेम्परेचर पर ही उबलना शुरू हो जाता है। तो इसका मुझे लगता है कि आप एक बार पहल करके बताइए, वरना मैं 29 का जवाब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये होगा वायुदाब कम हो जाता है ना, एयर प्रेशर कम होने के कारण ये तो पानी उबलता है। तो 29 का बात करेंगे हमने 30 पर। एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसीबल, इसको क्या कहेंगे, डेसीबल, डेसीबल। एक सामान्य बातचीत की तीव्रता उसमें किसके बीच होनी चाहिए, जो ह्यूमन बीइंग का जो टॉक होता है अगर मैं उसकी तीव्रता की बात करूंगा तो कितने के कितने बीच हो, कितना डेसीबल की होनी चाहिए, ये डेसीबल का डेसिबल। तो बताइए कि कितना में होना चाहिए जिससे कंफर्ट होकर के किसी की बात आप सुन सके और वो नॉइज की तरह ना लगे। तो मुझे लगता है कि वो कितना होना चाहिए, मुझे लगता है कि 30 और 35 के बीच में होनी चाहिए, तब तो वो कंफर्टेबल माना जाए, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 30 का जवाब हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि 31वां प्रश्न क्या है। तो 31वां प्रश्न 31st प्रश्न में निम्नलिखित कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नहीं है, तो
अल्फा है, डेल्टा है, बीटा है, गामा, कोई ऐसा कण है जो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाता है ना, ये आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता। तो क्या वो अल्फा है, बीटा है, गामा है, कौन सा होगा? 31% का जवाब जो है डेल्टा है, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स नहीं है। अल्फा रेडियो एक्टिव है, बीटा रेडियो एक्टिव है, गामा रेडियो एक्टिव है, ठीक है ना। और 21 का जवाब 21वां का हो गया। 32वें पर आ गए हम लोग। 32वें में सूची मिलान करने को कह रहा, विटिकल्चर सब्जी खेती, ठीक है। उसके बाद ये वेजी, इसको क्या कहेंगे, वेजी कल्चर, इसको लिख दीजिए वेजी, वेजी कल्चर। मछली, मछली क्या लिखेंगे, मछली पालन, मछली पालन। इसी तरह से पीसी कल्चर है, वृक्षों की खेती, और ओलेरी कल्चर है, अंगूर की खेती। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें बताने की कोशिश करें कि कौन सा सही हो सकता है। तो सही मिलान करने की अगर बात की जाएगी तो आपको कौन सा करना चाहिए, ये आप हमें बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप अपना जवाब बताइए। प्रश्न संख्या 32 पर हमारी बात हो गई। तो 32 का जो जवाब होगा ना, इसमें मुझे लगता है कि ये जवाब जो है ना वो ट्रिकी है। इसका मतलब क्या हो गया, ए का पढ़ना, मतलब ए का जो किससे जुड़ना चाहिए, विटिकल, ए का 4 से जुड़ना चाहिए, और ऐसा ही कुछ तो है, बी का 3 से जुड़ना चाहिए, देखते हैं बी का 3 से जुड़ते हैं, मछली से जुड़ गया। उसी तरह से हाँ सी का 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, पर क्या रद्द हो गया, बी का थ्री हाँ सी का 2, ठीक है 2 हो गया। तो मुझे लगता है ये वाला ऑप्शन है, इसका सही मिलान कर लीजिए आप, थोड़ा सा इसमें आप अपने स्तर से इसको देख लीजिए, ए का 4 है, बी का 3 है, सी का 2 है, और डी का 1, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप इसको मिलान कर लीजिए, जो उचित लगेगा उसको इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी कभी प्रिंटिंग एरर होने के कारण काफ़ी दिक्कत हो जाती है। चलिए तो 33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं, तो क्या कहेंगे धातुओं, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में इसमें तांबा की मात्रा अधिकतम होती है, पीतल में, कांसे में, इसको क्या कहेंगे तांबा, इसको ब्रॉन्ज कहते हैं, कांसे में, जर्मन सिल्वर में, या गन में। ये प्रश्न संख्या 33 बताना है। तो 33 प्रश्न पर हम लोग हैं अभी, और आप हमें बताने की कोशिश करें कि 33 का जवाब क्या हो सकता है। थोड़ा पहल करें और उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, है ना। कोशिश कीजिए किसका क्या जवाब होगा, 33 का क्या जवाब होना चाहिए। तो गन मेटल, जहां तक गन मेटल की बात है ना, गन मेटल में हाँ तांबा की मात्रा अधिकतम होती है। कैसे होती है, तो गन मेटल में तांबा की मात्रा होती है 88% होती है। टीन की मात्रा कितनी होती है, तो टीन की मात्रा उसमें होती है 10%, और जिंक की मात्रा कितनी होती है, तो जिंक की मात्रा उसमें होती है 2%, ठीक है। तो ये हो गया इसकी इसका परसेंटेज, तो देख रहे हैं तांबा का जो परसेंटेज 88%। हाँ अगर मैं इसमें गन मेटल की बात करूँ, तब अगर जर्मन सिल्वर में मैंने बताया था इसके पहले कि उसमें कॉपर जो है, जर्मन सिल्वर में अगर कॉपर का परसेंटेज देखा जाए तो 50% तो कॉपर उसमें पाया जाता है, और पीतल पाया जाता है जर्मन सिल्वर में, पीतल की मौजूदगी होती है 64%, और कांसा 64% नहीं होगा, 64% नहीं होगा, इसमें कह सकते कुछ कम होगा, 64% कम ही होता है, लेकिन कांसा जो है ना, कांसा की अगर बात करूँ, कांसा उसमें 4.4 से 11% होता है, ठीक है। तो
थोड़ा सा इसमें इसके बीच का मैच करके जो बचा हुआ होगा वही पीतल का एल्यूमिनियम, ठीक है, गन मेटल का मैंने बता दिया, ठीक, और जर्मन सिल्वर का बता दिया, ये चीज़ हमें बताना था आवश्यक, आप समझ गए। तो आप आगे देख रहे हैं क्या मैंने पिछला क्वेश्चन किया है इनका, अभी मैंने किया है कुल मिला करके 35% किया, ठीक है, देखते हैं 34वां प्रश्न किया, 40% करने हैं आज में, देखते हैं कि कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इनका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, हाँ, काफी क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर ज्यादा हो गया, प्रिंटिंग एरर से बच्चों को परेशानी हो जाती है, तो यहाँ क्या लिख रहा है, हाँ, वो यहाँ वो ठोनी होना चाहिए, वो आप कह लिए, वो बहुत अधिक ऊर्जा वाले, क्या हो जाएगा, ऊर्जा वाले और आवेशित, इसको हटाइए और थोड़ा सा आवेशित कणों से बनी होती है और ये सूर्य से उत्पन्न होती है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप इनमें कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि ये होगा, चार ऑप्शन दर्ज करने हैं, तो क्या होगा आप जवाब बता दीजिए कि तो मुझे लगता है कि कॉस्मिक किरणों की बात अगर की जा रही है तो कॉस्मिक किरणें बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बने होते हैं, है ना, ये इसका जवाब हो रहा है। इसके बारे में दो चार और बातें बारे बता दूं कि जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होती है अर्थात कॉस्मिक रेज का इमर्जेंस कहाँ होता है, अंतरिक्ष के बाह्य आउटर फोर्स, और इसकी गति अगर स्पीड की बात कर जाए तो वो लाइट के वेव से, लाइट के मूवमेंट से के समान होती है ना, लगभग लाइट का जो स्पीड होता है ना उतना ही होता है, और ये पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। तो 34 का जवाब मैंने अभी तक दे दिया आपको, हाँ, 34 के जवाब के बाद अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि 35 तक चले। तो गिने चुने प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूँ, तो अगला है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या है, कीटनाशी है, कीटनाशी क्या कहेंगे, इंसेक्टिसाइड ना, इंसेक्टिसाइड, क्या वो इंसेक्टिसाइड है, क्या वाइटामिन है, क्या वो स्टेराइड है, क्या वो एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल का परिचय पूछ रहा है। तो मुझे लगता है कि 35% के बाद आपकी जानकारी जो है वो तो इस पर आकर रुकनी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल स्टेराइड, क्योंकि ये बता दूं कि ये ब्लड में पाया जाने वाला एक फैटी सब्सटेंस, क्या है ये, फैटी सब्सटेंस, जो यह पदार्थ जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है, कौन, स्टेराइड, जब ये ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो ब्लड वेसल्स में थक्का बना करके क्लॉटिंग करके ये ब्लड के फ्लो को रोकता है, तो ब्लड के फ्लो को रोकता है तो क्या होता है कि ब्लड में प्रेशर आता है, वही कभी कभी ट्रोमा की स्थिति आ जाती है या फिर ब्रेन हेमरेज की स्थिति आ जाती है। तो 35 का जवाब आपको हमने दे दिया, ठीक है ना, 35 के बाद 36 पर आते हैं। एस्बेस्टस किससे बनती है, एस्बेस्टस यहाँ देखिए किससे बनती है, ये सब होना चाहिए, तो जंती लिखा हुआ, थोड़ा सा सुधार लेंगे, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हमारी जो टाइपिस्ट है ना उनसे थोड़ी सी एरर हो रही है, तो सुधारने के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा गलतियाँ ना हो, थोड़ी जल्दीबाजी में कुछ हो जाती है प्रिंटिंग। तो एस्बेस्टस किससे बनती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से, तांबा जिंक और मैंगनीज से, सीसा और लोहा से, सीसा और लोहा से, और कैल्शियम और जिंक। 36 का जवाब क्या होना चाहिए, 36 का जवाब आप हमें बताना कोशिश कर रहे हैं कि एस्बेस्टस बनता किससे है,
मुझे लग रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से एस्बेस्टस बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको क्या लगता है, इस पर आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप थोड़ा अपनी पहल करके हमें बताएंगे, ठीक है? तो प्रश्न संख्या 36 पर बात आई है हमने, हम लोग मुझे बताइए तो 36 प्रश्न में अभी तक हमारे बच्चों ने कितने अंक अर्जित किए, ये थोड़ा हमें बताने की कोशिश करें। 36 प्रश्नों को अभी तक साझा किया गया है आपसे, 36 में आप अभी तक कितने अंक अर्जित कर चुके हैं, ये आप हमें बताने की कोशिश करें। या 36 में आप 30 प्लस हैं या 30 के आसपास हैं? अगर 30 है तो आप बेहद बेहद सेफ जोन में, मतलब एक कंक्रीट सेफ जोन में, ठीक है? तो देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस की खासियत यही होती है कि आपको उलझाने की कोशिश करेगा, 20 सेकंड लेगा, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस को डालेगा जरूर। तो क्वेश्चन ये भी तो वन लाइनर ही है, लेकिन आप वो इतना वन लाइनर नहीं होगा कि आपको लगे कि नहीं मैं देखूँ और तुरंत बन जाऊँ, तो आपका दिमाग मांगेगा क्योंकि आयोग की अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वो स्टूडेंट को फंसाने की कोशिश करते हैं। यही मैं बता रहा हूँ। प्रश्न संख्या 36 का जवाब हो गया। 36 देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले अंगूर पर लेकर एक प्रश्न किया था, लेकिन यह प्रश्न का दूसरा हो गया, आकार दूसरा हो गया। अंगूर में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा? ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है जो हाँ अंगूर में पाया जाता है? क्या वो एसिटिक एसिड है, क्या साइट्रिक एसिड है, क्या ये जो है ना मैलिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। क्या ये टेरिक एसिड? तो अब 37 का जवाब जो है ऑर्गेनिक एसिड। याद रखिए, क्वेश्चन की नीड है कि वैसे तो मैलिक एसिड जो है ना वो एप्पल में पाया जाता है, मैं बता देता हूँ, हाँ, लेकिन आप अंगूर में भी, आप जैसे अंगूर कभी कभी कुछ रेडिश टाइप का अंगूर भी आता है ना, और इनसे जो अंगूर आते हैं देखते हैं कि रेडिश टाइप का लुक आता है। तो ऑर्गेनिक एसिड की अगर बात की जाए तो मैलिक जो होता है ना ऑर्गेनिक एसिड का वाला बिहेवियर वाला माना जाता है। तो उस आधार पर देखा जाए तो अंगूर में अव्वल ये तो पाया नहीं जाता, लेकिन अगर पाया जाता है तो ये अगर उसकी रेडिशनेस का रिस्पॉन्सिबल है जो एप्पल से मैच करता है कभी कभी उस तरह की क्वालिटी वाले, तो वो मैलिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड होगा, ठीक है? तो प्रश्न संख्या मैंने अभी 37 का जवाब बताया। 38 का जवाब देखते हैं, संभवतः यह आज का सत्र का शायद अंतिम प्रश्न होगा, शायद देख लेते हैं क्या। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, क्या वो ईंधन के रूप में, क्या रासायनिक युद्ध के रूप में, या सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, या निर्गंधीकरण के रूप में, इसमें यूज किया जाता है किसका, मस्टर्ड गैस, ये आपको बताना है। तो केमिकल यूज का मतलब क्या हो गया, ये केमिकल वार, हाँ ईंधन मतलब फ्यूल के रूप, ये हो गया सरसों के तेल के रूप, या निर्गंधी मतलब अगर ऑर्डरलेस कह रहे हैं, किसी चीज को ऑर्डरलेस कर रहे हैं तो उसमें काम आता है। तो 38वें प्रश्न का जवाब आप हमें देने की कड़ी में थोड़ा सा पहल करके बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब, आप पहल कीजिएगा तो जानकारी आ जाएगी हमारे, ठीक है? तो मुझे लग रहा है इसका जवाब जो होना चाहिए वो केमिकल वार के रूप में होना चाहिए, ठीक है? तो 38 का जवाब बी प्रश्न के साथ हमने मैच कर दिया, ठीक। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं 39 का क्या हुआ। 39 है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण माइंस में, हाँ माइंस में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है, माइंस में अक्सर विस्फोटों के बारे में पता चलता है, तो कौन सी सी चीजें हैं या कौन सा युग्म ऐसा है जिसके मिश्रण से माइन में अक्सर ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, कभी केयरलेसली ब्लास्ट हो जाता है? क्या वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन और एसिटिलीन है, क्या वो मीथेन और वायु है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, तो मीथेन है, ठीक है? तो मैं बता दूं कि इसका जवाब जो है मुझे समझ में जो आ रहा है वो मीथेन और वायु होना चाहिए, मीथेन और वायु के मिश्रण से माइंस में अक्सर विस्फोट होता है। तो 39 का जवाब आपको मिल गया, 39 के जवाब से हम लोग
अवगत हो गए। कोटि का जवाब देखते हैं, कोटि में है स्टील की कठोरता, कठोरता हार्डनेस, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। अगर इसकी हार्डनेस लाना है स्टील में, हार्डनेस लाना है तो क्या इनपुट किया जाता है, कार्बन की मात्रा, कैल्शियम या कैल्शियम का प्रश्न संख्या क्या बता रहा है, कैल्शियम का बार कार्बोनेट क्या अटैच होता है इसमें, ये देखिए तो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट या सिल्वर और पोटासियम के क्लोराइड, ये कोई है तो आपको बताना है कि स्टील में कठोरता यदि लाना चाहते हैं तो क्या बढ़ाई जाती है। तो बीस आज के प्रश्न के इसमें आ गए हम लोग, तो इसका जवाब जो है मुझे लगता है कि कार्बन की मात्रा यदि बढ़ाई जाती है तो वो है ना, वो उसे हार्डनेस आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने प्रश्न संख्या 40 किया, देखते हैं 41 में प्रश्न किया, मैंने क्या देखा कि 40 प्रश्न पर मेरी बात आ गई, 40 प्रश्नों को मैंने अभी तक किया, तो 40 प्रश्न को करने के बाद आपको मुझे लगता है कि 35 आपको आना ही चाहिए, तो 35 यदि आता है तो मुझे लगता है कि आप सेफ जोन में आ गए। तो आज मैंने क्या किया कि जनरल साइंस के आपको मैंने 40 प्रश्न कराए, हाँ, और ये सभी प्रश्न जो थे वो कैसे थे, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ये आपको मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न आपको निराश नहीं किए होंगे और आप इस प्रश्नों के जवाब से रूबरू हो चुके होंगे। और इसी तरह से प्रश्नों की श्रृंखला यदि आप मुझसे चाहते हैं कि सर जनरल स्टडीज़ में भी हो जाए और उसी तरह से साइंस में भी हो जाए, तो तय मानिए कि बेहद अच्छे प्रश्नों का संकलन लेकर के हम लोग आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नए प्रश्न नए सत्र पर और नई जानकारियों से अपनों जोड़ने की कोशिश करें। गुड नाइट।